नानक कूड़ रहा भर होश, जीवन दे हर पख विच झूठ भरपूर है। ते जीवन दे आखिर बुनियादी पख ते यही ने, व्यवहारक आर्थिक समाजिक ते राजनीतिक। साहिब कहिंदे जीवन दे हर पख विच कूड़ भरपूर है, कूड़ व्यापक है, कूड़ दे आसरे ते रिजक चल रहा है, कूड़ दे आसरे ते धार्मिक कर्म खड़े ने, और कूड़ ते आसरे ते सता खड़ी है। मत्थे टिक्का तेड़ धोती कखाई, उंज धार्मिक चिन्ह सारे धारण कीते ने, मत्थे ते तिलक है, तेड़ धोती पहनी हुई है, कखाई कखां दी माला गल दे जो है पहनी हुई है, पर हाथ छोरी ही जगत कसाई, हाथ देखते छुरा है। और किसी बकरी का कसाई नहीं, बकरी नू नहीं कोंदा, किसी गऊ का जबा करन वास्ते ये कसाई नहीं बनया, ये किसी मुर्गे नू नहीं कटना चाहता, जगत कसाई है, जगत कसाई है, जगत नू ही वढ़ना चाहता है, जगत नू ही धोखा देना चाहता है, जगत का ही गल वढ़ना चाहता है, इन्ना वड्डा कसाई। झूठ का छुरा कोल है, कोई भी इसकी लपेट दे चावे, ਇਹ ਗਰਦਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਝੂਠ ਦੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਚ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਤਰ ਨੀਲੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, क्योंकि ताई प्रवान होंदा सी, ताई राजसभा दे जान दिता जांदा सी, और मलेच्छा दा धान लैंदा है, लेकिन पूजदा पुराण नूं है। भाव जिन्हां नूं इह मलेच्छ कहिंदा है, धान उन्हां तों लैंदा है, और पूजा पुराण दी करदा है। फिर अभाकिया का कुठा बकरा खाना, चौके उपर किसे ना जाना। कहिंदा है मेरे चौके विच कोई भी ना आवे, क्योंकि मेरा चौका सुच्चा है, पवित्र है। लेकिन अभाख्या का कुठा बकरा खाना, कोया होया बकरा जे देते इस्लामी शरा दे मुताबिक कलमा पढ़ के कोया गया, उन्हों कहिंदे ने कुठा। महाराज कहिंदे ने कसाई कोल तू ये कोया होया बकरा लिया है, जो उसने अपने ढंग नाल कोया है, अपनी इस्लामी तर्जे ढंग नाल उसनू जबा कीता है, ओ तू ले आया है, और चौके देच उनू चाड़ रहे हैं। ते फिर कहना मेरे चौके च कोई ना आवे, मेरा चौका सुच्चा है। महाराज कहने तेरा चौका किस तरह सुच्चा हो गया, वो ते अपवित्र है। देके चौका कड्डी कार, लीपा पोची करके चारों पासे कारियां कर दितियां, लकीरां पा दितियां कि मेरे चौके देच कोई ना आवे। साहिब कहने नहीं, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ, ਇਹ ਜੋ ਚੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਕੂੜੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੂੜ ਚੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਕਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੌਕਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਤ ਭਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਭਿੱਟੇ, ਇਹੋ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਭਿੱਟੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰਾ ਅੰਨ ਭਿੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਚੌਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਬਰਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। पर साहिब कहिंदे तू अंदर गया और तेरे हिरदे च कूड़ है, ते जे चौके दे च कूड़ चला गया, झूठ चला गया, तो चौका सुच्चा किस तरह होया, चौका पावन किस तरह होया। तन फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली भरेन। तन अपवित्र है, मलीन है, ये भोजन छकदा है, ते झूठा मन है, ये चुलियां पिया भरदा है, चुली पिया करदा है, भाव हाथ मुंह साफ पिया करता है। साहिब कहिंदे कहो नानक सच धियाइए, सुच होवे तां सच पाइए। सुच ते तां आउंदी है जे सच दी प्राप्ति होवे, ते सच दी प्राप्ति तां आउंदी है जे सच विच ध्यान जोड़िए। कहो नानक सच धियाइए, सुच होवे तां सच पाइए। नाल जो पौड़ी है सोलवी, ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
फरमान करते ने कि वह जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है मता किधरे तेरे अंदर ख्याल पैदा हो जाए कि इतना वड्डा उसने पसारा पसारे है, इन्ने ब्रह्मंड, इन्ने सूरज चंद तारे ग्रह नक्षत्र, इतने पशी ते पक्षी और सागर दरिया पहाड़, कुछ एक नूं भुल गया होवेगा, कुछ उसके चेते दे चो निकल गए होणगे। महाराज कहिंदे ऐसी गल नहीं है। चित्ते अंदर सब को उहदे चेते दे सब कुछ है। ऐसा नहीं कि वह किसी नूं भुल गया है। एक कीड़ी भी उसके चेते च है, एक हाथी भी उसके चेते च है, रेत का एक जर्रा भी उसके चेते च है और सूरज भी उसके चेते दे च है, एक पत्ता भी उसके चेते दे च है, एक पहाड़ भी उसके चेते च है, एक कीड़ी भी उसके चेते च है, एक मनुख भी उसके चेते च है, तू उसकी याद दे च है, सब कुछ उसके चेते दे च है। इतों ही पता चलता है कि उस परमात्मा का चेता कितना महान है, उसकी चेते शक्ति कितनी अजीम है। पर महाराज कहिंदे निरा यही नहीं कि सब कुछ उसके चेते दे च है, बल्कि सब कुछ उसकी निगाह दे हेठ, उसकी निगाह दे थले। चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा, सब कुछ नूं अपने निगाह दे हेठ रखता है और सारा ब्रह्मंड चल रहा है उसकी निगाह दे हेठ। सारा ब्रह्मंड कार्य कर रहा है, सब कुछ उसके चेते दे, भुलिया कुछ नहीं। किसी भी मनुख नूं अपने घर का सारा साजो समान चेते च नहीं होगा, कुछ ऐसा होता है जो चेते च निकल जाता है। निक्का जिहा घर, थोड़ा जिहा साजो समान, लेकिन सब कुछ चेते दे च नहीं। इन्ने महान ब्रह्मंड और किन्ने कने, इहदी गिणती भी नहीं, मनुख दे कोल आंकड़े ही नहीं कि आंक सके, संख्या कर सके, गिण सके। पर सब कुछ उसके चेते दे च, चाहे सूक्ष्म है, चाहे अस्थूल है, चाहे तुच्छ है, चाहे महान है, चाहे कमजोर है, चाहे शक्तिशाली है, सब कुछ उसके चेते दे च। चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा, आपे देवड़ियाइयां आपे ही कर्म कराएंदा। ऐसा बख्शिंद परिपूर्ण परमात्मा है, वो आप ही बख्शिश करके वड़ियाइयां दे देंदा है। वड़ियाई कई पक्ष दी, कई पहलुआं दी, और तरह तरह के कर्म की प्रेरणा आप वो दे रहा है। सारियां च बैठ के वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर धंदे लाएंदा, वड्डियां तो वड्डा है, महान वड्डा है, सारी सृष्टि दे रचण वाला है ते मालिक है, हर एक नूं अपने अपने धंदे ते लाया है। सिरे सिर धंदे लाएंदा, तुद संसार उपाया सिरे सिर धंदे लाया। वंड दिते ने धंदे उस परिपूर्ण परमात्मा ने, कीड़ियां दे अपने धंदे, मकोड़ियां दे अपने धंदे, पशुआं दे अपने धंदे, पक्षियां दे अपने धंदे, जल जंतुआं दे अपने धंदे, थल जंतुआं दे अपने धंदे, नव जंतुआं दे अपने धंदे, और बड़े सोहने ढंग नाल ये परिपूर्ण परमात्मा ने वंड कर दिती है। धंदे का मुख मुद्दा तो यही आता है, रिजक की तलाश। तो जल जंतु भी तलाश कर रहे हैं, पंछी भी रिजक की तलाश कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं, मनुख कर रहे हैं। मुख धंधा यही है। साहब कहते ने तू तमाम जीवां नूं साज के अपने चेते च रखे आया, और तू आप ही तरह तरह दियां वड्याईयां दित्तियां ने बख्शिश करके, तरह तरह के जो है कर्म उन्हां तों करा रहे हैं। बहुत तो वड्डा है, महान है, सृष्टि के रचनहार है, ते सारे जीवां नूं तू सृष्टि दे च अपने अपने धंधे ते लाया होया। नदर उपठी जे करे सुल्ताना घाव कराएंदा, ए प्रभु ऐसा भी देखे किसे दे ते तो पुठी नजर कर दे, थोड़ी जिया नजर दी पलक चुके, ते बड़े बड़े सुल्ताना नूं
घाइया बना देना है घास खोदन वाला, महान नू तुच्छ कर देना है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का फरमान, रीते भरे भरे सख नावे ये ताको व्यवहार है। हे प्रभु तेरा व्यवहार मैं अजीब देख रहा है, तेरा भी एक धंधा खालिया नू भरी जा रहे हैं और भरे आया नू खाली कर जा रहे हैं। भिखारी नू किधरे तू सम्राट बना देना है और सम्राट नू किधरे भिखारी बना देना है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जे किधरे तेरी थोड़ी जी नजर पुठी हो जाए तो बड़े बड़े सुल्तान घाइए होंदे देखे ने, घास वर्गे हो जाते ने, वाह उन्हां दी सारी दी सारी औकात खत्म हो जाती है। और इस हद तक कि दर मंगन बिख ना पाएगा, भिखारी बन के जे किसी द्वार ते जाके भिक्षा भी मंगता है तो हुण बिख दी भी प्राप्ति नहीं आती। असी देखते हैं कि संसार विच ऐसा होया, कल जो महान सन अज तुच्छ हो गए। ये नियम सिर्फ मनुखां ते ही लागू नहीं, सब कुछ ते लागू है, क्योंकि हर चीज वधदी है ते वधण तो बाद घाटे की तरफ आउंदी है, और जैसे घटना आरंभ होंदा है उसका फिर तुच्छ होना आरंभ हो जाता है। एक शिखर ते पहुंच के पहाड़ भी घटते ने, सूरज चंद तारे भी घटते ने। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रवसस निखत्र गगनं, तो सब कुछ घटता है और घटदिया घटदिया एक दिन मिट जाता है। कोई सुल्तान सिंघासन ते बैठ के ये तकबर करे, ये गरूर करे कि बाकी सब थले ने, मैं सिंघासन ते हां, और ये अहंकार इतना प्रबल होवे, क्योंकि सता करके ये अहंकार हो जाता है। हरनाकश ने कह दिता सी कोई निरंकार नहीं, अगर है तो वह भी मेरे थले है, मैं सिंघासन ते हां, मैं उपर हां। इस तरह फरौन ने कह दिता सी, कंस ने कह दिता सी मैं ही महान हां और मैं ही सब कुछ हां। सता ऐसा सोचण ते मजबूर कर देंदी है। अगर कोई सुल्तान जो सिंघासन ते बैठा है और आखे सब छोटे ने, सब तुच्छ ने, मैं ही महान हां, मैं ही वड्डा, तो महाराज कहने नदर उपठी जे करे सुल्ताना काव कराएंदा। ऐ सुल्तान जे थोड़ी जी उसकी निगाह फिर जाए, पुठी हो जाए, तो बड़े बड़े सुल्ताना नू घास वर्गा हुंदा देखे, और फिर हालत ऐसी बनती है कि दर मंगन बिख ना पाएंदा। द्वार द्वार ते जावे भिक्षा मंगे ते कोई इसकी झोली विच बिख भी पाण नू जो है तैयार नहीं आता। कल दे सम्राट भिखारी बने हुए इतिहास विच असी देखते हैं, और अज दे भिखारी असी सम्राट भी बने हुए जो है देखते हैं। प्रभु की यह अगम्मी लीला, यह उसके अगम्मी कौतक। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पौड़ी विच मूल गल ये दसते पे ने कि सब कुछ उसके चेते विच है, आपे जीवां नू वडियाईयां देंदा है, कर्म की प्रेरणा देंदा है, सृष्टि का मालिक है, सिरे सिर जीवां नू धंधे लाया होया है। और कोई अगर उच्चे रुतबे ते पहुंच गया है, वडियाईयां उसनू प्राप्त हो गई ने, ते अगर वह अहंकारी हो जाए तो निगाह उसकी पुठी भी हो जाती है और वह भिखारी हो सकता है। श्लोकां विच मूल भाव उही सुच्चा है जिहदे अंदर सच है, फोकट कर्म करे लेकिन हिरदे विच सच नहीं तां उह कतई सुच्चा नहीं। साच बिना कह सुचा होई, कहो नानक सच धियाईए, सुच होवे तां सच पाईए। जे सच दी प्राप्ति होवे तां ही जो है सुच्चा है, और जो सुच्चा है उसनू इस करते पुरख दी लीला दा पता चल जांदा है कि सब कुछ उस परमात्मा दे चेते दे च है, सब कुछ उसकी निगाह दे हेठ है।